ओहो, तो आ गए आप सब लोग। अभी ड्यूटी शुरू होने में थोड़ा वक्त बचा था, तो इसलिए मैं गेम खेलते बैठा था। और ये जो गेम है, ये मुझे $2,000 का पड़ा, ठीक है भाई। ये मैंने दुकान से परचेस किया, और वो भी शिपयार्ड के ऊपर। पिछली ड्यूटी में हम शिपयार्ड पर ही गए थे ना, मेरे ख्याल से। तो स्वागत है आप सभी का डीरेल वैली के और एक नई गेम प्ले वीडियो में। तो आज हमें जो जॉब दी है दोस्तों, उसके लिए हमें दो इंजन्स दिए रेलवे वालों ने। आप देख सकते हो ये दो दो अपने पास इंजन्स है, और वो पहले पे से कनेक्टेड है। आप देख सकते हो पीछे भाई, इधर वायर्स का काफी झोलझाल है पीछे। और हमें टोटल 11 डब्बे ले जाने आज। आप देख सकते हो पीछे कितना हैवी, मतलब इसका वेट हो सकता है। ये एक ही देखो भाई, ये कितना बड़ा रोल है। ये स्टील मेटल का होता है ना ये, शायद से। इन सभी को आज हमें ले जाना है गुड्स फैक्ट्री पर, ठीक है। तो फिलहाल तो हम ये इधर है स्टील मिल के ऊपर, आप देख सकते हो ये रही स्टील मिल। और हमें जाना है इधर, ये जो आपको जीएफ दिख रहा है ना, ये जीएफ, हमें इधर जाना है। और ये 11 डिब्बों में से 9 डिब्बे अलग, और बाकी के 3 डिब्बे अलग लगाने हैं। तो चलो हम तुरंत से अपने रेलवे के अंदर जाएंगे और उन दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। पहले तो हम पिछले वाले को ऑन करेंगे, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक को ऑन करेंगे तो दूसरा भी ऑन हो जाएगा। हमें दोनों को एक साथ, मतलब बारी बारी से हमें एक्टिवेट करना होगा। पहले तो इसकी बारी। इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टर, टीएम, डैश लाइट, कैब लाइट, सब कुछ ऑन करेंगे। प्रेशर पाइप करेंगे नीचे। और ये हो चुका है अपना स्टार्टर रेडी। अब इसको करो क्लोज, और हम चले जाएंगे अपने अगले वाले इंजन में। इसका भी सेम प्रोसेस ही है। ये सब कुछ हम इलेक्ट्रिकल्स वगैरह ऑन कर देंगे इधर से, ऐसा कुछ। इसको कर देंगे नीचे, और ये कर देंगे हम ऑन। बस, तो आप देख सकते हो हमारे दोनों के दोनों इंजन्स ऑन हो चुके हैं दोस्तों। अभी हम करेंगे ब्रेक्स को ढीला। ये न्यूट्रल पर है ना, इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे। अब थोड़ा पीछे आकर देखेंगे हम कि सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो इधर भी फॉरवर्ड हो चुका है। अगर आप, मैंने इसको न्यूट्रल किया, और मैं अब अगले वाले इंजन में जाकर देखूंगा कि ये भी न्यूट्रल हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हो इधर भी न्यूट्रल हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अपने दोनों इंजन्स परफेक्टली सक्सेसफुली पेयर हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी हमें इनको दोनों को ले जाना होगा उधर। तो भाई लोग, आज का जो सफ़र होने वाला है ना, वो इतना बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हो जीएफ कुछ काफ़ी दूर नहीं है। हमें सिर्फ सीधा सीधा जाना है, और एक राइट टर्न लेना है ताकि हम जीएफ की ओर बढ़ सके। जीएफ यानी कि गुड्स और फैक्ट्री। तो चलो इसके अंदर, बाहर काफ़ी शोर शराबा है, तो हम रेलवे को क्लोज कर देंगे इसके डोर को। बस, तो फिलहाल हम देखेंगे ये जो 3 डब्बे है ये स्टार्टिंग के, इनको लगाना है हमें जीएफ में D6i पर। और जो बाकी के बचे 9 डब्बे हैं, इनको हमें लगाना है D6i पर। वाह, अपना काम इजी हो गया है दोस्तों। एक ही जगह पर हमें ये सभी के सभी डिब्बे ले जाने हैं, और बस हमें सबमिट कर देना है, और अपना वर्क हो जाएगा आज का कंप्लीट। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि ब्रेक रिलीज है या नहीं इन डब्बों के, इन बोगीज के। तो ब्रेक हो चुकी है रिलीज। अब चलो अपने रेलवे की ओर। मैं पहले तो ये दरवाज़ा लगा लेता हूँ भाई। और भाई, आज की ड्यूटी ना काफ़ी हैवी होने वाली है। अब डब्बे तो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, ये कितना वेट होगा ट्रेन का। तो अपन ने दो दो इंजन इसीलिए लिए हैं, ठीक है। आप देखो एक बार, तो पिछले लाइट्स हम कर देंगे ऑन। और चलो हम हो चुके हैं अब निकलने के लिए रेडी। तो एक देंगे हम थोड़ा सा थ्रोटल, और बस इस तरीके से कुछ। भाई 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 भाई, भाई। काफ़ी ज़्यादा वेट है भाई, अपने ट्रेन्स को भी दिक्कत हो रही है। ये देखो भाई, ओहो, इसके अंदर का ब्रेक, एक मिनट। अरे हाँ, इसको तो ये करना ही भूल गया था ना मैं। ओके, सो चलो अब अगली इंजन की ओर अपने। हमें इनको D6i ट्रैक के ऊपर ले जाना है। पहले तो हम इनका स्पीड अप करेंगे थोड़ा सा, और अपना स्टेशन मैप ओपन कर लेंगे हम। ये रहा जीएफ, तो हम रूट सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम दोस्तों इधर से आएंगे इस तरीके से कुछ, और हमें ये पूरा घूम फिर कर इधर से आना है, और सीधा इधर जाना है। इसको करेंगे हम लेफ्ट, इसको भी करेंगे लेफ्ट, ये भी सही है।
इधर से करेंगे लेफ्ट भाई, तो रूट पहले पे से सिलेक्टेड है। अभी हमें सीधा जाना है डी के ओर, और जब हम इधर से आएंगे तो हमें जाना है 6 I की ओर। तो इसको करेंगे हम लेफ्ट, यानी कि हम इधर जा सके, और उसके बाद में इधर से करेंगे राइट ताकि हम इधर आए, और इधर से राइट, ओके, और इधर से भी राइट। ठीक है, तो सब कुछ एकदम परफेक्ट है दोस्तों। अभी हमें सिर्फ इसको चलाना है और उधर जाकर रुकना है, बस इतना ही। तो हम देंगे 2 बार हॉर्न, तो बस आप सफर को एंजॉय करो। आप बस नज़ारे पर फोकस करो, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। ये देखो दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। ओ भाई ये ट्री देखो एक बार आप, मस्त है। चलो हम तब तक थोड़ा सा गेम खेल लेंगे। तो ये जो वीडियो गेम है ना मेरा, अभी आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये मुझे $2000 का पड़ा भाई, सच में बोल रहा हूँ मैं। जो हमने पिछली बार जो ड्यूटी की थी, मैं 6 या $7000 मिले थे, उसमें से मैंने $2000 इसके ऊपर खर्च कर दिया। पर अच्छी चीज़ है यार टाइम पास करने के लिए। हम इसको ऐसा रख भी सकते इधर इस तरीके से, कुछ ऐसा पढ़ने भी दे सकते इधर। बस लेफ्ट में ही जाना है हमें, तो रास्तों के ऊपर हम करेंगे फोकस, और इधर से हमें राइट की ओर जाना होगा, तो हम इधर भी रास्ता सेट कर देंगे, कर देंगे हम राइट की ओर। परफेक्टली हम अब सीधा हमें जाना है और उधर जाकर रुकना है बस। यार इंजन साउंड सुनो आप लोग, सिर्फ इंजन साउंड सुनो। आगे फॉग है, तो हमें ना अपना हेडलाइट्स ऑन कर देंगे, जिनके ऊपर सेट कर देंगे हम। स्पीड ज़्यादा हो रही है भाई, थोड़ा कम करेंगे। 120 के नीचे स्पीड बोला है, आगे स्पीड लिमिटर है ना। और भाई लोग थैंक यू कि आपने मेरे पिछले वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी जो बरिस्ता सिमुलेटर की वीडियोस थी उसके ऊपर भी मुझे अच्छा खासा रिस्पांस आया है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो मुझे बताना कमेंट में, ताकि मैं और ऐसे सिमुलेशन गेम्स आपके लिए ला सकूं। तो अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा होगा तो देख लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, ठीक है। और बस थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे। स्पीड बराबर है ना भाई, पहले मैं चेक कर लूँ। हाँ 50 के ऊपर है, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग भी अच्छा नहीं रहता दोस्तों। कर्व आना चाहिए भाई, जब कर्व आएगा ना, हाँ आगे ही है, तो मैं आपको पिछला नज़ारा दिखाऊंगा। ओहो ये स्मोक देखो आप, स्मोक देखो एक बार। ये देखो भाई ये आ चुका है, अब करो। अब आपको है ना पिछले सारे के सारे डिब्बे दिखेंगे आप। ये देखो इतना भी ज्यादा कर्व नहीं है पर है। तो बस अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे।
और कैसा, अभी फिलहाल तो ये पहाड़ी एरिया है और जंगल एरिया है, इधर जो जानवर है उनको डिस्टर्ब होगा, इस कारण की वजह से मैं अभी ज़्यादा हॉर्न नहीं बजाऊंगा। हॉर्न में तब बजाऊंगा अगर पटरी के बीच में कोई जानवर आ जाए तब, ठीक है? ओके ओके ओके, स्पीड हमें कंट्रोल के अंदर रखना होगा। क्या स्पीड लिमिट है भाई आगे की? 50, तो परफेक्टली हम 45 के स्पीड में है अभी। ये देख सकते हो भाई इतनी लंबी ट्रेन है यार अपनी। पिछले पार्ट में तो मैंने सिर्फ 3 डब्बे लेकर गया था मैं, और इस बार तो सीधा 11। वो देखो वो एंड देखो, वो भाई काफ़ी ब्यूटीफुल यार। ओके सो यही स्पीड पर हमें मेंटेन होकर चलना होगा। ये देखो भाई क्या बढ़िया नज़ारा है यार। ओहो पहाड़ी एरिया है आगे, तो स्पीड को करेंगे हम इंक्रीज। अपनी ट्रेन ने रुकना नहीं चाहिए यार आगे। एटी की स्पीड लिमिट और अपनी स्पीड हो रही है कम। नहीं 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 इधर रुकना नहीं चाहिए हमने। एक तो अपने पास कैसा काफ़ी ज़्यादा वेट है, ठीक है, तो हमें डिब्बे के ऊपर भी ध्यान देना होगा ताकि कोई ऐसा अलग ना हो जाए अपने से। अरे नहीं भाई स्लो मत हो, थोड़ा सा हम थ्रोटल देंगे। नहीं 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 थोड़ा और, भाई वेट ही उतना ज़्यादा है अपने पास, हम क्या ही करें। ओके 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 स्पीड कम मत होना, स्पीड कम मत होना। ओहो काफ़ी वजन है शायद से भाई ये। बस इसी तरीके से डिस्क के ऊपर हमें स्पीड मेंटेन कर कर रखना है भाई। शायद से हम टनल के अंदर से होकर जाएंगे, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्रॉसिंग है ना ऊपर से, एक तो इधर ब्रिज भी हो सकता है और टनल भी हो सकते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते यार। ये क्या है फिर, ये ट्रैक ही है ना, ये रेलवे ट्रैक ही है। टनल ही है, और वो देख सकते हो आप वो रहा ब्रिज जो कि टनल के ऊपर है। तो देंगे हम इधर 2 बार हॉर्न। और ये आ चुका है गुड्स और फैक्ट्री। ओके परफेक्ट परफेक्ट, कोई डैमेज नहीं, धीरे धीरे ले जाएंगे। इसी तरीके से आराम से बस एकदम पीसफुली इसी तरीके से हम ले जाएंगे अपने रेलवे को। ओके तो आप भी देख लो इस तरीके से ये कुछ दिखता है अपना गुड्स एंड फैक्ट्री। तो बेसिकली ये एक MIDC एरिया है ये, जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे होंगे और हमने उनके लिए लाया है ये सप्लाई।
रेलवे स्टेशन। ये देखो भाई, वर्कर्स लोगों की बस। शाम को कंपनी जब छुटेगी तब वो इसके अंदर ही बैठकर चले जाएंगे अपने अपने घर को। शायद से कोई कोई वर्कर्स ट्रेन के अंदर भी जाते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। रेलवे स्टेशन क्यों इधर फिर? 30 की स्पीड लिमिट बोली है हमें। देखो भाई 30 30, ओके। इसी तरीके से हमें ये स्पीड मेंटेन करना है। ओ देखो भाई पिछला नज़ारा देखो आप। तो बस बस बस, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं। ये देखो भाई आप पिछला नज़ारा देखो। थोड़ी स्पीड कम करेंगे अब हम। तो अभी हमें जाना है D6I की ओर, जो कि हमने पहले पे ही ट्रैक सिलेक्ट कर रखा है, तो हम आराम से पहुंच जाना चाहिए अपन ने। D6I D6I, मैंने तो ट्रैक सिलेक्ट किया था ना इसके ऊपर। वही तो, ये देखो दोस्तों, ये रहा D6I, ये देखो ये रहा ये। तो हम परफेक्टली आ चुके हैं इधर। अभी हमें सिर्फ अपनी ट्रेन को पार्क करना होगा इसके अंदर। ओह लाइट्स अप हो चुकी है, यानी कि शाम के 4 या 4:30 5 ऐसा ही कुछ अभी टाइम हो रहा होगा। तो बस हमें एकदम एंडिंग तक ले जाना होगा, ताकि पूरी की पूरी जो ट्रेन है ना इसके अंदर समा सके इस ट्रैक की ओर। बस हमें इसी का ख्याल रखना है कि पूरा जो ट्रैक है इसके अंदर अपने डब्बे फिट हो जाए। थोड़ा सा और आगे, और वो रहा वो ब्रिज जो कि मैंने आपको दिखाया था टनल के पहले। बस बस बस, इधर हम लगवाएंगे अपना ब्रेक। अरे ब्रेक लग जा भाई। तो डन, अभी हम जाकर देखेंगे कि अपनी पूरी की पूरी ट्रेन इस ट्रैक के ऊपर आई है या नहीं। तो आप देख सकते हो परफेक्टली आ चुकी है। ये रहा D6I, एक बार मैं इधर भी चेक कर लेता हूँ। D6I और D6I, परफेक्ट। तो अब हम इनको करेंगे अनकपल अपने रेलवे से। तो इस हुक को इस तरीके से कुछ हम निकालेंगे और ये करेंगे ऑफ, और इसका हैंड ब्रेक हम लगा देंगे, जिसको कि हम पार्किंग ब्रेक भी बोल सकते हैं। बस, और अपना जो इंजन है इसको थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे हम। बस इस तरीके से कुछ, और अपने दोनों इंजन को कर देंगे अब हम ऑफ। ऑफ करने का प्रोसेस जो है ना दोस्तों, वो भी काफी इजी है। जिस तरीके से हम ऑन करते हैं उसी तरीके से हम ऑफ भी कर सकते हैं। बस इस तरीके से, और अब हम जाएंगे पिछले इंजन की ओर। इसका भी ब्रेक हम लगवा देंगे, ये कर देंगे ऑफ, ये करेंगे न्यूट्रल। और बस अगर आप, हमने कितना भी बार ट्राई किया ना, ये देखो स्टार्टर को स्टार्ट करने की कोशिश की ना, तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी बटन अभी बंद है ना उस कारण की वजह से। तो चलो अपना काम हो चुका है, दोनों इंजन को ब्रेक भी लगा दिया। डैमेज कितना हुआ है? नहीं, कुछ डैमेज नहीं हुआ अगले वाले को, इससे भी नहीं। तो चलो अभी हमें सिर्फ ऑफिस के अंदर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है इनको सबमिट कर देंगे।
चलो भाई, परफेक्टली हमने लगा तो दिया ना सब कुछ। हाँ, हो ही चुका होगा। तो ये रही कैश, और हम अब जाकर इनको गिनेंगे इधर इस टेबल पर। और एक बंडल लेकर आता हूं मैं। ओके, तो इधर रखेंगे हम इस तरीके से कुछ। बस अब बैठो आराम से नीचे। अरे इधर, तो ये जो है 11 डब्बे का जो ट्रेन था, 18 मिनट के अंदर हमने ये मिशन कंप्लीट किया। तो 46 मिनट का आपने को टाइम दिया था ना इन लोगों ने, 20 मिनट में अपना मिशन कंप्लीट हुआ है। 18 मिनट पर हम ट्रैक के ऊपर पहुंचे और 20 मिनट 30 सेकेंड में हमने वैलिडेट किया अपना ऑर्डर। तो हमें $15,937 मिले हैं, और आप देख सकते हो टाइम बोनस के तौर पर हमें मिला है $7,970। तो टोटल अपने को $23,000 मिला इसका। और रही बात इसकी, ये 3 डब्बे वाले की, तो इसे भी हमने उसी वक्त पर कंप्लीट किया है। सो इसका बेस पेमेंट हमें मिला $8,000, और टोटल हमें टाइम बोनस मिला $4,000 एक्स्ट्रा, यानी कि हमें टोटल इसका 12,000 मिला है। तो आप देख सकते हो ये रहा $23,905, इसको रख लेंगे हम, और ये 12,000 इसको भी। तो आप अभी मेरे वॉलेट के अंदर देख सकते हो $43,000 है। और मैं आपको फीस दिखाता हूँ कि हमने रिसोर्सेस कितना यूज किया। ये आएंगे हम फीस पर, ये देख सकते हो भाई, ये हुआ है अपना बिल रिसोर्सेस की तौर पर $1,300। तो इसको हम कर देंगे पे बस। और एक फीस है, इसको भी कर देंगे हम पे। तो आप देख सकते हो मेरे पास टोटल अभी $40,000 है। तो इसी के साथ साथ आज का हम वीडियो करते हैं खत्म। सो कमेंट कर कर बताना आपको आज की जर्नी कैसी लगी, और ये हमने आज न्यू एरिया एक्सप्लोर किया है। तो ये रही गुड्स एंड फैक्ट्री, एक बार हम स्टेशन के ऊपर जाते हैं। तो 1 बजे हमने मिशन ऑन किया था ना, और अभी वक्त हो रहा है 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6 घंटे के अंदर हमने अपना एक मिशन कंप्लीट किया। तो मेरे फ्रेंड्स, कमेंट कर जरूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और आपने मेरा कल का वीडियो देखा नहीं होगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो भी आप जरूर चेक करना। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।